हेलो मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। स्टूडेंट, आज का ये क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपके लिए दो लाइन लेकर आया हूं कि मत पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है, न हारूंगा कभी हौसला उम्र भर मैं। ये मैंने किसी और से नहीं, खुद से वादा किया है। तो स्टूडेंट, आप लोगों के लिए ये जो क्लास है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक शायरी मैं आपके लिए लेकर आया था ताकि आप लोग थोड़ा सा मोटिवेट हों। जब तक आपके लाइफ में मोटिवेशन नहीं रहेगा तब तक आप कोई भी काम बहुत अच्छे से यानी कि शिद्दत के साथ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हमेशा कुछ ना कुछ खुद को चार्ज किया कीजिए, थोड़ा मोटिवेशनल वीडियो देख लिया कीजिए ताकि आपको थोड़ा मोटिवेशन मिला करे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम क्या जानेंगे आज के इस वीडियो में, जितने भी हमारे स्टूडेंट 2025 में हिंदी का पेपर देंगे उनके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल है, क्योंकि इस वीडियो में मैं हिंदी के एक ऐसे टॉपिक को लेकर आया हूं जो फिक्स होता है, यानी कि ये 10 नंबर आपका फिक्स होता है। इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी के टॉप 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट जीवन परिचय को पढ़ेंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल आता ही आता है और 10 नंबर आपका बिल्कुल पक्का करके जाता है। तो अगर आप भी इन 6 जीवन परिचय को 2025 में पढ़ के जाएंगे तो आपको 10 में 10 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे, सर जीवन परिचय को लिखते कैसे हैं ये भी बताओ, कैसे लिखें ताकि हमें एग्जामिनर पूरे के पूरे नंबर दे, तो वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। बहुत ही स्पेशल ये वीडियो है कि आपको कौन कौन से 6 ऐसे जीवन परिचय हैं या साहित्यिक परिचय हैं जो आपको पढ़ के जाने हैं और कैसे आपको 10 नंबर एकदम क्लियर करना है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले वो कौन से 6 जीवन परिचय हैं जो इस बार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। देखो स्टूडेंट, जो जीवन परिचय होता है वो आपके लेखक का साहित्यिक परिचय और कवि का साहित्यिक परिचय दोनों का पूछा जाता है। देखो ये 3 जो है ये आपके लेखक हैं, 5 नंबर में ये आएंगे, ठीक है, 5 नंबर इनके लिए आपको मिलता है, और जो नीचे आपके 3 हैं ये तीनों ये आपके कवि हैं, इनके लिए 5 नंबर आपको दिया जाता है। 3-3 में लेकर आया हूं, अगर इन 3-3 को आप लोग तैयार कर लेंगे 10 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। और बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, सर हमारे 12th में साहित्यिक परिचय आता है तो उसको कैसे लिखते हैं, अभी मैं बताऊंगा, टेंशन मत लेना कैसे लिखा जाता है। तो देखो लेखकों में जो सबसे इंपॉर्टेंट जीवन परिचय है वो कौन कौन से हैं, आपको पहला जीवन परिचय वासुदेव शरण अग्रवाल जी का पढ़ लेना है। आपके 12th हिंदी में इनका फर्स्ट ही चैप्टर है वासुदेव शरण अग्रवाल जी, ठीक है। दूसरा हमारा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, ये लेखक हैं और इनका चैप्टर हमारे में अशोक के फूल चैप्टर है, और जो वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं इनका राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर है, तो इन दोनों जीवन परिचय को जरूर पढ़ना है। तीसरा हमारा है हरिशंकर परसाई जी। देखो हरिशंकर परसाई और प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी ये दो लेखक जो हैं दोनों में से किसी एक को आपको जरूर पढ़ना है, ठीक है। तो ये 3 जीवन परिचय हमारे हैं लेखकों में जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। दूसरी चीज, आपको कवियों में कौन कौन सा जीवन परिचय पढ़ के जाना है। देखो मैं बार बार जीवन परिचय बोल रहा हूं जबकि आप में आता साहित्यिक परिचय है, अभी मैं बताऊंगा क्या डिफरेंस होता है कैसे लिखना है, ठीक है। अब देखिए कवियों में आपको पहले मैथिली शरण गुप्त जी का पढ़ लेना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। महादेवी वर्मा जी का पढ़ लेना है और रामधारी सिंह दिनकर जी का पढ़ लेना, ये 3 अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको 5 जो आपके बोर्ड एग्जाम में 3 दिए जाते हैं एक आपको लिखना होता है। देखो लेखक में भी 3 दिए जाएंगे एक करना होगा, कवि में भी 3 दिए जाएंगे एक करना होगा, ठीक है। तो उन तीनों में ये जरूर रहेंगे। अब दूसरी चीज, आप लोग कहेंगे सर कवियों में जयशंकर प्रसाद जी का भी है, सुमित्रा नंदन पंत जी भी हैं, तो क्या ये इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो भैया उनको भी पढ़ लोगे बेटर रहेगा, लेकिन ये तीनों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी दृष्टि से। तो ये टोटल 6 ऐसे जीवन परिचय हैं जो आपको पढ़कर जाना है, किसी भी तरह पढ़ो लेकिन याद करके जाना है, क्योंकि जीवन परिचय का जो नंबर होता है वो एकदम से फिक्स होता है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, देखो हम लोग पढ़ेंगे आज हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के
जीवन परिचय को। हम इस क्लास में आपको ये बताना चाहते हैं कि आखिर वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट जीवन परिचय जो आपको पढ़ के जाने हैं। दूसरी चीज, आपको जीवन परिचय लिखना कैसे है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का मैं जीवन परिचय लिखना भी सिखाऊंगा। अब आप कहेंगे सर वासुदेव शरण अग्रवाल जी का क्या होगा, तो आप लोग सर्च कर लो यूट्यूब पर वासुदेव शरण अग्रवाल जीवन परिचय शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा। पीछे हमारे चैनल का नाम बोल देना, आपको क्लास मिल जाएगा। किसी का भी सर्च करना है आप लोग सर्च कर सकते हैं। इसीलिए मैंने इनको ऑलरेडी बता रखा है, अब इनको हम लोग इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। चलिए देखते हैं। देखो, आपके एग्जाम में रहेगा कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचनाओं को लिखो। अब आप लोग कहेंगे सर साहित्यिक परिचय हमें लिखना है, ठीक है, और आपने यहां पे जीवन परिचय हेडिंग डाला। देखो भैया, जीवन परिचय कोई भी लेखक है, आपको पहले उनका नाम ऐसे लिख देना है ऊपर हेडिंग में, फिर जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और उनकी रचनाओं को लिखना है। जीवन परिचय में आपको कुछ ज्यादा नहीं लिखना है, बस दो तीन चार लाइन लिखना है, दो तीन लाइन कि इनका जन्म कब हुआ, इनके माता पिता अगर हैं तो वो, और इनकी मृत्यु, बस इतना सा लिखना है। मेन जो हमारा टारगेट होगा वो साहित्यिक परिचय होगा। साहित्यिक परिचय में आपको लिखना होता है इनका साहित्य में परिचय क्या है। जीवन परिचय का मतलब इनका जन्म कहां हुआ, शिक्षा दीक्षा, इनके पापा का नाम, इनकी मृत्यु। साहित्यिक परिचय में आपको लिखना होगा कि इनका साहित्य में परिचय कैसा है, हिंदी साहित्य में इन्होंने किस प्रकार की रचनाएं की, कैसे रचनाएं ये करते थे, ठीक है, उसमें क्या क्या होता था, ये सब आपको उसमें लिखना होता है, ठीक है। और कृतियों का मतलब इनकी रचनाएं, देखो कृतियां हो या रचनाएं हो दोनों सेम ही हैं, ठीक है, ये आपको तो लिखना ही लिखना होगा। तो देखो, सबसे पहले हम लोग जानेंगे जीवन परिचय। आपको एक छोटा सा हेडिंग डालना है जीवन परिचय, ठीक है, तो इसमें आपको थोड़ा सा लिखना है। देखो, हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। ये फर्स्ट लाइन काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब जो हमारे लेखक हैं उनका जन्म कब और कहां हुआ था ये हम इसमें लिखते हैं। दूसरी चीज, इनके पिता श्री अनमोल द्विवेदी ज्योतिष और संस्कृत के प्रकांड पंडित थे, मतलब इनके पिताजी जो हैं जिनका नाम है अनमोल द्विवेदी, वो संस्कृत और ज्योतिष के प्रकांड पंडित और अन्वेषक, प्रकांड संस्कृत के ज्योतिषी और प्रकांड विद्वान थे, ठीक है। तो ये आपको इतना लिखना है कि इनका जन्म कब और कहां हुआ, इनके पिताजी क्या थे, ठीक है। फिर उसके बाद में इनकी मृत्यु लिख देनी। हजारी प्रसाद द्विवेदी का 19 मई 1979 ईस्वी को रुग्णता के कारण स्वर्गवास हो गया, ठीक है। तो इतना सा आपको लिखना है इनका जीवन परिचय, छोटा सा लिखना है, ठीक है। सबसे मेन जो हमारा हेडिंग है वो रहेगा साहित्यिक परिचय का, ये हेडिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कुछ हमारे बुद्धिमान जो स्टूडेंट है वो कमेंट करेंगे, सर अगर हम केवल साहित्यिक परिचय लिख दें और उनकी रचनाओं को लिख दें तो क्या हमें 5 में 5 नंबर मिल जाएंगे? ऑफ कोर्स मिल जाएंगे। अगर आप लोग जीवन परिचय नहीं लिखते हैं, केवल साहित्यिक परिचय उनकी रचनाओं को लिख देते हैं, तब भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे, और अगर जीवन परिचय लिख देते हैं छोटा सा तो ज्यादा बेटर रहेगा मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। तो साहित्यिक परिचय में देखिए इनका साहित्य में, हिंदी साहित्य में कैसा परिचय है वो आपको यहां पर लिखना होता है। देखो, हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्य के प्रख्यात निबंधकार, इतिहास लेखक, अन्वेषक, आलोचक, संपादक तथा उपन्यासकार के अतिरिक्त कुशल वक्ता और सफल अध्यापक भी थे। कितनी सारी क्वालिटीज थी इनके अंदर, आप यहीं से देख सकते हैं। देखो, ये जो है हिंदी साहित्य के प्रख्यात निबंधकार, मतलब ये निबंध भी लिखते थे, ऊपर इतिहास लेखक, इतिहास भी लिखते थे, अन्वेषक, आलोचक भी थे, आलोचना की भी लिखा इन्होंने, संपादक, इन्होंने संपादन भी किया, उपन्यासकार, उपन्यास भी लिखा, और कुशल वक्ता, लेक्चरर भी थे, और सफल अध्यापक भी थे। इतनी सारी क्वालिटीज किसी एक पार्टिकुलर पर्सन में थी तो वो कितना ग्रेट रहा होगा आप खुद समझ सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, वे मौलिक चिंतक, भारतीय संस्कृति और इतिहास के मर्मज्ञ, बंगला तथा संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। अब इनके पिताजी संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे तो उनके लक्षण इनके अंदर भी आ गए, और ये भी प्रकांड विद्वान थे, ठीक है। तो वो क्या थे, किस प्रकार की रचनाएं करते थे, वही सब हमें साहित्यिक परिचय में लिखना होता है, सिंपल सा है। देखिए, इनके साहित्य पर संस्कृत भाषा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है, और रविंद्रनाथ, इसको रा कर दीजिएगा, रविंद्रनाथ ठाकुर का स्पष्ट प्रभाव है, मतलब इनके जो साहित्य है उस पर संस्कृत भाषा आचार्य रामचंद्र शुक्ल और रविंद्रनाथ ठाकुर का स्पष्ट प्रभाव है। इन्होंने विश्व भारती और अभिनव भारतीय ग्रंथमाला का संपादन भी किया, तो ये सारी चीजें इन्होंने किया था, ठीक है। थोड़ा सा और होगा उसको भी देख लेते हैं। देखो,
इन्होंने नित्य प्रति के जीवन की गतिविधियों और अनुभूतियों की मार्मिकता के साथ चित्रण किया है। ये हिंदी ललित निबंध लेखकों में अग्रगण्य है, मतलब ये हिंदी के ललित निबंध जो होते हैं उनको लिखने में अग्रगण्य है। ठीक है, द्विवेदी जी की साहित्य सेवा को डीलिट, पद्म भूषण और मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया। और हां, साहित्यिक परिचय में भी आपको जो इनको पुरस्कार मिले हैं वो भी लिखना होता है, क्योंकि उन्होंने काम किया, उन्होंने अच्छे से लेखन किया, तभी तो उनको पुरस्कार मिले। तो द्विवेदी जी के साहित्य सेवा को डी लिट, पद्म भूषण और मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया, तो इनका साहित्यिक परिचय हो गया। इतना बड़ा काफी है, क्योंकि आपको टोटल 80 वर्ड्स में लिखना होता है, 80 शब्दों में, तो आपको शब्दों की सीमा को भी ध्यान में रखकर चलना है, क्योंकि पूरे 100 नंबर का पेपर आपको सॉल्व करना होता है। ठीक है, अब इनकी रचनाओं पर चलते हैं। साहित्यिक परिचय हो गया, रचनाएं देखो, रचनाओं को कैसे लिखेंगे, हेडिंग वाइज हम लिखेंगे। जैसे देखो, निबंध लिखा तो निबंध को लिख देंगे, आलोचना आलोचना वाली रचना, इतिहास इतिहास, ऐसे हेडिंग डाल के लिखोगे, बहुत अच्छा आपको नंबर देगा एग्जामिनर। ठीक है, तो ये आपको इस प्रकार से लिखना। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्न है, ऐसे लिख देना। जैसे निबंध संग्रह में इन्होंने अशोक के फूल, जो आपके 12th में है ही, कुटज, विचार प्रवाह, विचार और तर्क, विचार और वितर्क होगा शायद, आलोक पर्व, कल्पलता, ये इनके निबंध की रचनाएं है। निबंध हेडिंग डालकर आपको जितने भी इनके निबंध है उसको लिखना होता है। आलोचना साहित्य में इन्होंने सूरदास, कालिदास की ललित योजना, कबीर, साहित्य सहचर, साहित्य का मर्म, ये इनकी आलोचना वाली रचनाएं हैं, ऐसे हेडिंग वाइज। ठीक, इतिहासकार भी है तो इतिहास की रचनाएं भी लिखेंगे ऑफकोर्स। ठीक है, तो हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल और हिंदी साहित्य, ये इनकी इतिहास की रचनाएं हैं। अभी और भी है रचनाएं इनकी, उसको भी जान लेते हैं। जैसे उपन्यासकार भी थे, तो उपन्यास में क्या क्या लिखा, बाणभट्ट की आत्मकथा, चार चंद्रलेख, पुनर्नवा और अनामदास का पोथा। ठीक है, तो ये सारी इनकी उपन्यास की रचनाएं हैं। देखो, इन रचनाओं को बहुत अच्छे से समझ लेना, क्योंकि इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं वो भी पूछे जाते हैं, तो इनको ध्यान में रखना। संपादन, क्योंकि ये संपादक भी थे, तो संपादन भी इन्होंने किया, नाथ सिद्धों की वाणियां, संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो, संदेश रासक। ठीक है, अनुदित रचनाओं में इन्होंने प्रबंध चिंतामणि, पुरातन प्रबंध संग्रह, प्रबंध कोश, विश्व परिचय, लाल कनेर, संदेश रासक, ये इनकी रचनाएं हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे, सर मुझे लग रहा है कि ये 80 शब्दों से ज्यादा हो गया है। तो देखो, अगर ज्यादा हो रहा है तो आप लोग इसको कट कर सकते हैं। ठीक है, इसको ना लिखें तो भी चल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको शब्दों की सीमा को भी ध्यान में रखते हुए चलना है। ठीक है, इसमें अगर मान लीजिए शब्द ज्यादा हो गए हैं तो एक आध लाइन आप कट भी कर सकते हैं, बस वही चीज है। ठीक है, तो ये आपका था हिंदी के टॉप 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट जीवन परिचय, और जीवन परिचय साहित्यिक परिचय को लिखते कैसे हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। तो 2025 वालों, हो जाओ सावधान और कर लो इन 6 जीवन परिचय को तैयार, क्योंकि हमें 10 में 10 जीवन परिचय का लाना है, तो इन सबको पढ़ के बोर्ड एग्जाम में जाना है। तो आज का क्लास यहीं पर फिनिश होगा। जाते जाते इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।